हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तो नहाई भी नहीं हूँ, आज बिस्तर पे ही सोई हूँ। उठी, ब्रश कर लिया, खाना खा लिया, मैं खा ली और सब्जी रोटी भी खाई ली मैंने। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, नाइट में बहुत ज़्यादा थक गई थी तो एडिटिंग नहीं की थी। तो अभी आप देखो, मैं बिस्तर पे ही हूँ। प्रिंस को सुलाया था, भैया ने जगा दिया, तो अब इसको संभालू या एडिटिंग करूँ। अभी बहुत सारी मेरी एडिटिंग बाकी है। और ये ना, हाँ भाई बहन मस्ती कर रहे हैं। ये इन दो को देखो, सुबह से दोनों भाई बहनों की मस्ती स्टार्ट हो गई है। माधव पा कर दे तो फिर इनको पा कर, हाय करो, हाय हाय कर दो। तो एक नंबर बना। ये पोरी ऐसी जाती है, हाय कर दो तो बेटा। नीचे नीचे चकल देता माधव, जय राम जी की। हाँ, जय राम जी की। सो अभी टाइम हो रहा है 11। अभी मैंने अपना बिस्तर छोड़ा है, प्रिंसी को सुलाया। ये यहाँ सो रही है, ये भी नहीं नहाई है, मैं भी नहीं नहाई हूँ, पूजा दीदी भी नहीं नहाए और माधव भी नहीं नहाया। और सूरज नहा लिया, मम्मी नहा ली, भैया पापा नहा लिया। सच्ची में रात को इतने परेशान हो गए थे। और खुशान ले, तू भी नहा रे। अब ना मैं नहा लेती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि रात भर का सर दर्द कर और सुबह से एडिटिंग कर रही। प्रिंस की भी तबीयत है और ख़राब है और मेरी भी लग रही है, सब गले दर्द कर रहे हैं हमारे। तो मैं तो नहा के रेडी हो गई हूँ। पहले साड़ी पहनी थी बट ब्लाउज बहुत लूज आ रहा था, क्योंकि मेरी अब हालत पहले से डाउन हो गई थी, तो मैंने साड़ी चेंज कर ली और सूट पहन लिया। और ये नहाई नहीं है, अब मैं से नहीं लूँगी, क्योंकि बाथरूम में दीदी और माधव गुस्से में, वो नहा रहे हैं साथ में। देखो मैं बाद में नहीं लाऊँगा, चलेगा खा। ये मेरे से गुस्सा है, बोल ही नहीं रही हो ना, मेरे को देख के हंस रही है। ये तो आप देखते हो कितनी शैतानी करती है, हंस नहीं रही मेरे को देख के। प्रिंसी देखो, बोलना नहीं है मेरे से आज इसको। मम्मा तुम तैयार हो गए, मेरे को पुछांडा लग गया, हलवा मेरे को तुम तैयार करते हो, चाहिए कि नहीं। इधर मम्मी बर्तन जमा रहे हैं। क्या बनाए मम्मी? बैंगन की सब्जी और मक्की की रोटी। तो बहुत मजा आएगा खाना खाने में, बैंगन की सब्जी बनी है, अखे बैंगन और मक्की की रोटी। आहा, किसको किसको पसंद है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। हमारे मम्मी तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते सब्जी। ये देखो बैंगन की सब्जी। इस डाली में सारे प्रिंसी के ड्रेसेस वगैरह है, जिसमें ना सैलान लग गई, क्या बोलते हैं, फफूंद आ जाती है ज्यादा ठंडाई की वजह से, वो हो गई। सारी ड्रेसेस में से स्मेल आ रही है, देखो कितनी गंदी हो गई है ये सारी। तो इनको सबको मैं वॉशिंग मशीन में अभी धोऊंगी। देखो इस टाइप से पीली पीली होती जा रही है, ये सारी गंदी हो गई है ठंडाई में। इनको सबको मैं धोने के लिए रख देती हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। मतलब जाली में रखी, उसके बाद में भी इसमें फफूंद आ गई यार, पूरी ठंडाई में। ये प्रिंस का हेयर बेल्ट उसके डडा लेकर आए थे, ये देखो पूरी फफूंद आ गई है कपड़ों में। अरे प्रिंस ने भी नौ नौ कर ली है, इसको बुखार आ रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, मतलब इसकी आवाज भी बैठ गई है। देखो उसकी नाक बह रही है, बहुत सर्दी हो गई, नींद भी आ रही। पहले मैं खा लेती हूँ, फिर इसको सुलाती हूँ। और मेरे को अभी राखी बांधने जाना है भाई के घर, जिसको भाई बनाए उसके घर, शिवाय आएंगे फिर मैं जाऊँगी राखी बांधने। सो अभी मैं जा रही हूँ जय को राखी बांधने के लिए। मम्मी बोले बांधा, और धूप लग रही है, मैं प्रिंसी का ओढ़ना ले लेती हूँ, मैं भूल गई थी लेना। अब इनसे हाजिर रह जा मम्मी बिना। टिंडे ए टिंडे, मामा से पूछा हूं मैं, मामा ने मेरे को नहीं बुलाया। टिंडे टिंडा जा 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 जा, वो गुस्सा है, मामा ने मेरे को नहीं बुलाया। अरे लाभ वाले हो भाई, फिर कौन है, कौन सा लाल है?
खादे लगे जाओ नहीं खादे लगे जाओ शट अप जरा सी बाटती है फोन में तो बड़ी बड़ी दिखती है मम्मी कमजोर थी इनको कमजोर का से कम ताकत है बहुत ताकतवर हो कमजोर मत लगी रे मन को नहीं ठीक है अच्छी है रोते हुए राखी बंधवा है खेलती है तू वहाँ पे तू रोई रोई क्यों करती यहाँ तो मम्मा को पूछ भी नहीं रहा बेटा तू आधा घंटा हो गया तेरे को आने को मामा पूरा गजल देते और यहाँ प्यार से रख दिया यहाँ छह बच्चे लगते तेरे को अलो बाप ले जा मम्मा यहाँ प्याल मिलता है यार वहाँ मस्ती मिलती है प्रिंसी को यहाँ इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ ना उसको देखो गाड़ियाँ देखने को मिलती है जितनी गाड़ियाँ देखने को मिलती उतना अच्छा लगता है घर पे है वहाँ गाड़ियाँ देखने को मिलती नहीं यहाँ देखने को मिलती है तो यहाँ बस बाहर लेके बैठे रहो तो अभी हम जा रहे हैं मॉल सिटी बाजार प्रिंसी के कपड़े खरीदने के लिए कुछ तो शॉपिंग करूँ मैं इसकी मामा ने बोला बोले मैंने पैसे दिए तो शॉपिंग करके ला वरना पैसे खर्च हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा तो ही लाएंगे नहीं तो नहीं लेकर आएंगे लाडो नानी चा जाली बज्जी चलो चलो गाड़ी आ रही है ये भी तो पास में ही है कोई इतना मजा आता है ये नानी के छाट में ए ढुमाली नानी के पास क्यों नहीं लेती तू टिंडाई लवकई बिंडी ओ वाओ
चलो पिंछी आ जाओ जटी जटी केप्स वाओ ये ऐसा अरे हे तुम्हारी साइज की केप मिल गई पिंची मस्त लग ले हो तुम इच्छे में आगे ना थोड़ी ढीली लग रही मम्मी चलो चलो मजा आ ली अपने को तो स्पाइडरमैन बहुत प्यारी शॉप है यार मम्मी की तो बहुत बड़ी छे पूजा मैडम तो बोलेगी कि तू चली गई देखो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस है यहाँ पे वाओ ये देखो ये तो बहुत बड़ा है मम्मी तो बड़ी हो गई नहीं इतनी छोटी कहीं छोरी कहीं नहीं ना तो बड़ी होगी तब दूसरे ले लेंगे अभी पहनाने के लिए वो दीदी आ रही ना फिर पसंद करें इस मॉल में वैरायटीज बहुत ज्यादा है वाओ सो ब्यूटीफुल ड्रेसेस आपको कौन सी अच्छी लग ली पोंछा लानी तुम टाटू चला पोंछा काटो ठीक फिटाई देखो बहुत मस्त नानी के पचन के लेंगे ये देखो ड्रेस कितना प्यारा लग रहा मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी प्रिंसी कब इतनी बड़ी होगी ये देखो कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं यहाँ पे वाओ प्रिंसी तू जल्दी से बड़ी हो जा बेटा देखो इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहनाऊंगी मैं ये देख लो हो जा बेटा बड़ा सो हमने बहुत सारी शॉपिंग करी साथ में पूजा दीदी भी आके देख लो ये और इधर उसके हाथ में सब लेके अब ये जा रहे हैं घर और हम जा रहे हैं मार्केट और सामान लेने के लिए काकल्ला बेटा तू माँ का पल्स फेंकेगा लो खा पी पानी पूरी खा ला हाँ भैया प्रिंसी मामा ने गिफ्ट नहीं दिया है ओके हाँ मामा से गिफ्ट लेना है ना मामा से गिफ्ट लेना है हाँ इसके पास बोल मामा गिफ्ट दो भैया देख मामा गिफ्ट देना है कि नहीं प्रिंसी को चाहिए क्या स्पाइडरमैन सीखूं नहीं हम प्रिंसी के लिए मामा दूसरा टॉय ला के दो मामा गिफ्ट दो मामा गिफ्ट दो मामा मम्मी और चिल्लर से मान गई भांजी नहीं मानेगी चल प्रिंसी गिफ्ट छुड़ा चल खड़ी हो भगवान करे अगले साल प्रिंसी नोट की गड्डी दे क्या बोली ये के चिल्ला डाली किसी नोट की गड्डी डाली है उते मान के 1 रुपए की गड्डी लिया हां वो तो महाराज यात्रा है 1000 रुपए लागे वही के 1000 रुपए की गड्डी देगा दीदी वो तो 10 की पता चला भाई 500 का नोट मिल गया तू जा रहे लो मामा निकालो पैसे बैठ बेटा पैसे निकाल लो मामा की नहीं ये जो है इसके अंदर बताओ क्या है मैं आपको बताती हूँ ये हमको तेरी की ये दीदी बहुत ज्यादा है तो नवग्रह मंदिर को 2 दिन तक बैठे थे तो इतना लेके आए वहाँ से तो जा रहे ये हमको राखी का गिफ्ट मिला है ये खतरनाक वाला भगवान अब इनको गिनना है कितने भैया बोले गिनो मेरे को नहीं पता कितने पैसे अब हमको गिन कर पता करना पड़ेगा कितने हैं इसमें भी सब वही है ये देखो इसमें भी सारे पॉइंट्स हैं छन छन की सुनो छन का यह दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है ये देखो पैसा ऐसा बोलता है देखा इसको बोलते पैसा बोलता है अब मैं इनको सबको गिनने बैठूंगी कितने हैं भगवान मेरे को तो देख के भी ऐसा लग रहा है ना कि ये सिक्कों को गिनना है एक एक के हैं इसमें और कोई कोई से दो दो के भी है पांच पांच के रहते तो और भी अच्छा रहता दस दस के रहते तो मम्मी फटाफट गिन देंगे मेरा बच्चा तो रो रहा है अभी से रोना स्टार्ट हो गया मेरे इसमें मम्मी एक एक के है
एक एक क्या है मेरे इसमें मैं गिनती हूं फटाफट से। कॉइन से गाड़ी लेने जा रहे हैं थार? नहीं हो, थार नहीं ले जा रही, हमको राखी पे कॉइंस मिले। ये थार के लिए ही इकट्ठे कर रहे हैं। नहीं नहीं गिने नहीं, मैं गिन रही थी। ये देखो सिक्के, ये इसमें भी है, नहीं इसमें भी है। ये आपको झूठ बोला जा रहा है पता है, नवग्रह मंदिर गए थे दो दिन से, वो तो मेरे को लग रहा था देख के इनको। नवग्रह मंदिर जाएंगे तुम जाओ यार। प्रिंसी, प्रिंसी के हाथ में मत देना हो सिक्का। कौन से गिन रहे? ये वाले गिन रहे, ये दस गिन रहे हो तुम। ये देखो इनको कॉइंस, और ये खेल रहा है, ये फोन चला रहे। ले प्रिंसी पैसे, ये नींद आ रही। ले जल्दी पैसे, माधव छोड़ जो तेरी देख शराबी ये दिल आ जाता है। म्यूजिक संभल लो मुझको, ओ मेरे लाल संभल लो। वो छोड़ ही नहीं रहा है, सिद्धांत तो तू को ढूंढ दूँ। आप रो, चल बेटा तू आ जा। कहाँ जाना है? ये देखो उसकी मम्मी को पर्स ला के दे रहा, बोल रहा मार्केट चल। कहाँ जाना है बेटा, कहाँ लेके जाए? ये बलते ही रोती है। चल चल बहन चल, खड़ी हो, चल खड़ी हो, खड़ी हो तुम। अब जूते पहनाएगी, पहना। मेरी छोरी कैसी रो रही, भूख लग रही है। माधव माधव उसका मजा, दादू दादू सीधे घर चल माधवी। उसकी मम्मी की चेन तोड़ दी, तोड़ देता है एक तो तोड़ दी। माधव इसको घर ही नहीं जाना है, मार रहा दीदी। इधर मैं खाऊंगी अब खीर थोड़ी सी, मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। सो यहाँ चल रही है सब अच्छे बच्चे कच्चों की मस्ती। कहाँ है टिंडा? ये टिंडा है, अद्विक भी आ गया आज यहाँ। अद्विक अद्विक किधर हो? ये अद्विक, प्रिंसी, उसके मामा, माधव, माछी उचकी, पिंछी की, सब इनकी मस्ती चल रही है। इसको देख, इनकी यहाँ मस्ती चलती रहेगी और पापा तो आराम से सो गए हैं। सो जा रहे अद्विक, इधर देखो मम्मी की पीठ दुख रही, तो बच्चों को बोल रहे कि मेरे को मारो नीचे तक जाओ। अरे नीचे रे दादा हो। उनको तो मजा आ रही है, माधव को ज्यादा आ रही तबला बजा। मुक्का मार अधिक, मुक्का मार मुक्का। माधव तो तबला बजा रहा, माधव की चढ़चढ़ लग रही है। इसको तो मैं टिंडे को सो गया। मारो, ये देखो लाइट बंद करो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया जल्दी से जल्दी जाएगी इंस्टा पे फॉलो करें। मेरी इंस्टा की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो जल्दी से जल्दी फॉलो करें। सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। Wait.